क्योंकि गाइस अगर आप ये वाला पार्ट यूज करोगे ये तो बॉल आगे चली जाएगी, अगर आप ये वाला पार्ट यूज करोगे तो बॉल आपकी बॉडी के ज्यादा पास आ जाएगी, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है। The world is waiting half a step beyond our door. हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू द फुटबॉल क्लासरूम। तो गाइज मैं आपको आज जगलिंग का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो गाइज इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो फॉलो करके मैंने भी जगलिंग सीखी थी, ऐसे ही प्रैक्टिस करके मैंने जगलिंग सीखी थी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना था ताकि आप भी जगलिंग अच्छे से कर पाएं और कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो चलिए गाइज लेट्स गो। तो गाइज स्टेप वन में आप एक पैर से बॉल को जमीन पर बाउंस करके कुछ इस तरीके से पिकअप करने की कोशिश करेंगे और फिर आप दूसरे पैर से सेम चीज़ करेंगे। अब आपको ये सिर्फ एक पैर से करना है, पहले फिर कैच करना है, फिर दूसरे से फिर कैच करना है, जैसे कि मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, ठीक है? तो गाइस स्टेप टू थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको सीधा पैर पे ही बॉल को गिरने देना है, जमीन पे नहीं गिरने देना, सीधा पैर से बॉल को टॉस अप कर देना है, पहले राइट से फिर लेफ्ट से। दूसरे एंगल से भी देख लीजिए, पहले राइट से फिर लेफ्ट से। और बैक स्पिन बहुत ज़्यादा जरूरी है, बैक स्पिन का मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा। आप ये ध्यान रखें कि बॉल पीछे की तरफ घूम रही है जब मैं बॉल छोड़ रहा हूँ, बस आपको भी ऐसे ही करना है। ऐसे थ्रो करने से बॉल पीछे की तरफ आएगी जिससे आपको जगलिंग की प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। अब आपको ध्यान ही रखना है कि आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल भी हिट नहीं करना, यानी कि आपके पैर का फ्रंट वाला पार्ट यूज़ नहीं करना है, इससे बॉल दूर चली जाएगी और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको अपना लेसिस पार्ट यूज़ करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आपको दो दो जगलिंग करनी है कुछ इस तरीके से, यानी कि राइट लेफ्ट दोनों। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप तीन जगलिंग करेंगे, राइट लेफ्ट राइट। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपका लेसिस पार्ट लगे बॉल पर, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके बाद आपको अपने जगलिंग के नंबर बढ़ाने, जैसे कि मैंने पहले एक से शुरू किया, फिर दो से, फिर तीन से, फिर चार से, फिर धीरे धीरे पाँच से, कुछ ऐसे ही मैं दोबारा बॉल को कैच कर लूँगा। पहले एक जगल करके कैच, फिर दो जगल करके कैच, फिर तीन करके, फिर चार करके। आपको ध्यान ये रखना है कि प्रैक्टिस करते टाइम आपको जो बॉल है वो आपके घुटने तक ही आनी चाहिए। इससे क्या होगा, बॉल ज़्यादा ऊँची उठेगी तो आपको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगी, और बॉल ज़्यादा लो रहेगी तो आप पावर नहीं जनरेट कर पाएंगे और आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पैरों की स्पीड स्लो होती है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो बॉल है वो आपके घुटने तक ही रहे, और इस लेवल पर आपको बॉल को मेंटेन करना है, सिर्फ एक हाइट पर आप मेंटेन करेंगे और इस तरीके से आप जगलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज़ है बैक स्पिन। ये बैक स्पिन आपके बॉल को आपकी बॉडी के करीब रखती है, ठीक है गाइस? इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे, आप इसको यूज़ करके ज़रूर देख। आप अपने पैर का लेसिस पार्ट यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस? लेसिस पार्ट जो बीच वाला है, अगर आप आगे वाला पार्ट यूज़ करेंगे तो बॉल दूर चली जाएगी, अगर आप ऊपर वाला पार्ट यूज़ करेंगे तो बॉल आपके बॉडी के ज़्यादा क्लोज हो जाएगी, तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा, ठीक है गाइस? अब आपको ध्यान रखना है कि आपको सेंट्रल पार्ट यानी कि लेसिस पार्ट के आसपास वाला हिस्सा ही यूज़ करना है, ताकि आप अच्छे से बॉल को ऊपर की तरफ रेज करके जगलिंग कर पाएँ, कुछ इस तरीके से गाइस, ठीक है गाइस? आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया और इससे आपके जगलिंग के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी और कुछ होगा तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हो जाना सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, पीस आउट।